जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो गाइस, कैसे आप सभी लोग? हमें बहुत बढ़िया। और आज मैं व्लॉग डालूंगा वो देख लेना, मेरी ड्राइंग कैसी लगी बता देना कमेंट्स में, ठीक है? और अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। पापा जो है गए हुए हैं कहीं सुबह, हम कहीं नहीं मतलब अम्मा को लेके गए हुए हैं सुबारती। उसके बाद अम्मा की आँखें दिखवानी है और मैं, मम्मी और शिवी हैं घर पर। तो अब दिखाता हूँ क्या खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में। देखो, चाय, पराठा और मक्खन। देखो, और शीवी है और ये खा रही है राजमा की चाट, है ना भाई? और ये भी चाय पी रही है। मैंने खुद बनाई थी। अच्छा, तू बोल रही है मम्मी ने बनाई है, झूठी। सच्चाई तो बताने चाहे बचानी पड़ती है, ठीक है ना? चलो गाइस, ये देखो ना, अपना नया कप लाया था हैप्पी न्यू ईयर वाला। तो चलो, हाँ नानी घर से, तो इसमें चलो चाय पीते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो इस, देखो मौसम बिल्कुल नीली घटा आ रही है, एकदम नीली घटा, देख रहे हो? एकदम नीली घटा आ रही है और देखो हवा ही हवा चल रही है बढ़िया एकदम। देखो बहुत सब इतनी नीली घटा, सौरों में को है देखो, चारों में को ये देखो, इधर नहीं है लेकिन इधर जो है, इधर बिल्कुल खाली है, इधर सारी है सामने से ही है। देखो सामने सारी है, एकदम बढ़िया घटा। हमारे घर के ऊपर देखो कितनी बड़ी घटा है। ओ भाई, बारिश हो जाएगी तो ना होगा, मैं तो बस सीधी बात है, बस वो लग रहा है मेरठ में ही होगी जरूर बारिश वहाँ पे, है ना? बस, और यहाँ तो सारा बिल्कुल बिल्कुल खाली है, सफ़ेद बादल हैं यहाँ तो, और इधर है बिल्कुल नीली नीली घटा एकदम, जिसमें बारिश हो जावे। हमारे घर के ऊपर इतनी बड़ी घटा है देखो, ये हवा इतनी बढ़िया चल रही है, सोचो तो मजा से आ गया। देखो देखो, ये ढंग से उड़ भी नहीं पा रहे कबूतर, चिड़िया उड़ भी नहीं पा रहे। चलो फिर अंदर चलते हैं, पापा भी जो है आ चुके हैं और मम्मी जो है अब बना रही है हमारे चाउमीन, है ना? एक बार वहाँ बनाई थी नानी के यहाँ पे, एक बार अब यहाँ पे बना रहे हैं, है ना? चलो दिखाता हूँ आपको जब बन जाएगी। और सब डाल दिया हमने, और सीवी एकदम नहा के रेडी हो चुकी है। मैं नहीं नहाया लेकिन अभी, मेरे बस कान जो है ना पकने वाला, कान में जो है पक रहा है, इसलिए क्या क्या लगाया तूने? सरसों का तेल और हल्दी। कितनी बढ़िया लग रही है ना, अब जब पूरी बन जाएगी तब दिखाऊंगा आपको। इस देखो पापा आ चुके हैं। हेलो गाइस, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो गाइस आज है एक अच्छी, और खाटू श्याम जी के मंदिर मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मुझे जाना था सुवारती मम्मी को लेके और आंखों वाले डॉक्टर के यहाँ, तो इसलिए फिर मम्मी गई थी अकेली, वो गई थी। गाइस, तो जय श्री श्याम, जय श्री राम। और गाइस देखना लाइट का इतना ड्रामा हो रहा है, फिर से भाग गई। और वो देखो मेरा सामान रखा ड्राइंग का, मैं ड्राइंग बना रहा था, इतने पापा मूवी देखने लगे क्योंकि मैं चला गया चाउमीन बनाने। पापा सर का दर्द, मिर्ज़ापुर है, आंधी आ गई भाई, आंधी आ गई। गाइस देखो अभी दिखाता हूँ, पापा आपका सर का दर्द ठीक है? मेरा हाँ कुछ आराम है अब। अच्छा चलो गाइस, अच्छा नींद पूरी नहीं हुई, रात को नींद नहीं आई, गर्मी इतनी थी। हाँ गर्मी, फिर उठ के अपने काम पे लग गए और उसके बाद फिर अपना जितना सो नहीं पाया तो सुबह के टाइम। अच्छा गाइस, आओ जल्दी से आपको बाहर दिखाता हूँ, आंधी आ गई शायद से, क्योंकि जो है गेट बहुत तेज बंद हुआ अभी। ये देखो आ गई आंधी, आ गई आंधी, आंधी 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 आ गई, आंधी आ गई गाइस, यही तो चाहिए था। ये देखो कितनी तेज तेज गेट बंद हो रहे हमारे, ये देखना घटो भाई, तो नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। ये देखो हाँ मजे आ जाएगा भाई, अगर ये गाइस बरस गई ना मैं तो पक्का ना हुआ। इधर कुछ नहीं है और इधर सौर में घटा ही घटा, और आंधी आ रही है पूरी बढ़िया एकदम ये। चलो भाई हम तो जाके चाउमीन बनाते हैं अपनी। गाइस देखो बन चुके एकदम बढ़िया 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 चाउमीन। और गाइस बाहर जो है इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना, आंधी आ चुकी है इतनी बढ़िया, बस क्या ही बताऊं। ये देखो चलो खा लेते हैं जल्दी चाउमीन। चाउमीन गाइस आप भी खा लो, आप भी
चलो अभी। तो गाइस अबे मेरा जिम टाइम, मैं जा रहा हूँ जिम और अब सिर का दर्द काफ़ी हद तक ठीक है। मुझे टैबलेट लेनी ही पड़ी, मैं बहुत ज़्यादा मेजर केस में जाके टैबलेट लेता हूँ, उससे पहले मैं लेता नहीं। मुझे सिर दर्द इतना ज़्यादा था कि सच में ऐसा लग रहा था हथौड़े बजा रहा हूँ सिर में कोई, तो इसलिए मुझे लेना पड़ा, नहीं तो मैं लेता नहीं। तो आराम है इसलिए जा रहा हूँ, पहले मैं सोच रहा था ना जाऊँ क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन ये था कि अब आराम पड़ गया तो जाना चाहिए। जिम कैसे छोड़ दूँ, आराम पड़ गया तो जाना पड़ेगा, तो इसीलिए बेटा यस ये एक ऐसा नशा है जिम का, जब करेगा ना जब तो पता लग जाएगी, है ना? करूंगा ये तू देख अपने साल में 14 साल को हो जाऊंगा। 14 साल की उम्र से कर लिए फिर और क्या, अगले साल से स्टार्ट ठीक है, बॉडी बनाऊंगा और क्या। अभी से लगेगा जब जाके अपने टाइम तक तू बढ़िया हो जाएगा, 25-26 साल तक हाइट पाइट सब निकल जाएगी तेरी, है ना गाइस? तो चले चलते हैं। ओ मेरा पैक बन गया, ओहो बना दिया, देखना गाइस निकोन ने बड़ा स्ट्रॉन्ग पैक बनाया है ये। ओहो थोड़ा सा गर्म है वाला, पैक नहीं है ठंडे वाला, नहीं है ये गर्म वाला है, एनर्जी ड्रिंक है ना। तो आज है मेरा बैक का वर्कआउट, बैक का वर्कआउट पूरा करेंगे और आपको भी दिखाऊंगा बैक बैक बैक। फ़ोन आने वाले हैं क्योंकि 8:10 हो गए हैं, फ़ोन आने बजने स्टार्ट हो जाएंगे, तो फटाफट पहुँच जाऊँ मैं, नहीं तो मेरे चेले फ़ोन कर करके मुझे परेशान कर देंगे। ठीक है गाइस चलो फटाफट पी के चलते हैं। तो गाइस जिम में मज़ा आ गया वर्कआउट में, और कैसा लगा मेरा जिम का वर्कआउट आप ज़रूर बताना कमेंट में। ठीक है गाइस तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।